लेकिन अब सवाल ये है 400 पार, सही बताइएगा, सच बताइएगा, 400 पार आप लोग सच में कर पाएंगे? कैसे? मतलब विपक्ष ये कह रहा है फर्स्ट फेज के बाद असलियत आ गई है सामने। देखिए विपक्ष तो कहेगा ना, पर अगर आप देखें जो एक तो वोटर टर्नआउट जो है, आपको ये पूछना होगा किसके वोटर नहीं पहुंचे। हमें तो लगता है कि हमारे पहुंचे। आप श्योर हैं? ज़्यादा हमें फीडबैक तो वही है। तो मैं आपको ये कहूँगा अगर 400 आप देख, चार को आप 400 देखेंगे, 4 जून को आप 400। ये अतिशोक्ति एग्जैजरेशन तो नहीं है इस जैसा? नहीं, मुझे लगता है, देखिए ये 10 साल का रिकॉर्ड है, लोगों को विश्वास है मोदी सरकार पर, और जो मोदी की गारंटी मुझे लगता है कि लोगों के माने कहीं उनके सोच में अब ये बहुत स्वाभाविक लगता है कि भाई ऐसी सरकार होनी चाहिए। जब वो वादा करते हैं बहुत सीरियसली सोच समझ के करते हैं, तो जो टर्नआउट जो है थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, इसके बहुत कारण हो सकते हैं। पर मैं कहूँगा ओवरऑल कम से कम जो हमारे पार्टी में जो आज जो जो बातचीत जो चल रही है, ये है कि कहीं अगर वोटिंग कम भी हो हमारे वोटर पे तो हम भरोसा रखते हैं। ये देखिए नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री अमित शाह, ये सब जो हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। मैनिफेस्टो की तुलना INC के इंडियन मुस्लिम लीग से कर दी है। कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण, आप लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, व्हाट इज योर टेक, आपका क्या ख्याल है इस पर? नहीं देखिए, आरक्षण का विषय इसको कांग्रेस पार्टी ने लोगों के सामने रखा है, और आज नहीं रखा, सालों से रखा है। जो आज जो लोग याद दिला रहे ना, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, उनकी सरकार ने आंध्रा में क्या किया था, कर्नाटक में क्या कर रही, अभी क्या कर रही। तो ये आरक्षण का विषय जो है, हम लोग जो हैं अपनी पोजीशन स्पष्ट कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने कल भी बयान दिया था कि धर्म के आधार पे आरक्षण जो है ये हमें लगता है कि ये होना नहीं चाहिए। सर इधर आ जाएं हम। पर जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की आप मैनिफेस्टो आप इंडियन मुस्लिम लीग, मुस्लिम, मैं कहूँगा 50% तो मुस्लिम लीग है, 50% माओवादी है। आप देखिए कि जो उनकी इकोनॉमिक थिंकिंग जो है वो बिल्कुल माओवादी, उनकी सोशल थिंकिंग और पॉलिटिकल थिंकिंग वो मुस्लिम लीग है। तो इन दोनों का 50-50 ले लीजिए, आपको आज का कांग्रेस पार्टी ऐसा है। सर ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। नहीं आरोप नहीं लगा रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जयशंकर सर, अब क्योंकि चुनाव का वक्त है इसलिए राहुल गांधी का जिक्र तो होता ही रहेगा साथ साथ। राहुल गांधी जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र जो इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है, इस पर क्या टेक है? देखिए इस पर मुझे सचमुच दुख होता है, दुख होता है कि हम जितना भी एक दूसरे से घर में जो विवाद है हमें घर में ही रखना चाहिए, बाहर जाकर लोगों को भड़काना कि आप जो है हमारे बारे में आप क्या कर रहे हैं, आपसे भी हमारी अपेक्षा है, तो इसका नतीजा क्या होता है कि बाहर के लोग जो हैं हमारे पॉलिटिक्स हमारे इलेक्शन में फिर वो इंटरफेरेंस करते हैं। अगर आप भारत के इतिहास देखें, हम कहाँ कहाँ अगर ऐसे समय थे जहाँ कोई दुर्घटना हुई, कैसे हुई कि किसी ने हमारे आपस के विवाद में हमने बाहर से किसी और को बुला लिया, तो वही चीज़ फिर से हो रही। तो ये अगर देखिए उनकी अगर सोच है कि भारत में कुछ कमी है, कुछ नीति बदलनी चाहिए या खुद उनको सत्ता में आना चाहिए, ठीक है वो उनका मत है, उनका हक भी है कहना। पर जब मैं देखता हूँ कि कोई भी नेता देश के बाहर जाए, देश की बुराई करें और ऐसे आरोप लगाएं जो खाली सरकार की के खिलाफ नहीं है, पूरे देश या हमारे एक सिस्टम के खिलाफ अगर ऐसी चीज़ें करें कि वोटिंग सिस्टम के खिलाफ कुछ कहें या फौज हमारी फौज के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी दें, तो ये मुझे लगता है कि देखिए ये देश के हित में नहीं है। और मैं तो ऐसी चीज़ें मुझे तो लगता कि ये कभी होना नहीं चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि देश के हित में नहीं है, हम लोग कंक्लूड करें उससे पहले मैं चाहती हूँ मेरे वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी आपसे कुछ सवाल पूछ ले। लेकिन UK के एक अखबार ने अभी कहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी हो
या फिर दूसरे 10 मुद्दे हो, उस पर टिप्पणियाँ ये आ रही हैं और दूसरों के घरों में जाकर हम किलिंग करवा रहे हैं, ये बाहर के ऑब्जर्वेशन हैं जिसका मुद्दा विपक्ष उठा के कहता है कि देखिए ये सच्चाई है। देखिए, ये आपने दो उदाहरण दिए, मैं दोनों का उत्तर देता हूँ आपका। केजरीवाल का विषय, ये वो शराब वाला विषय ना, घोटाला शराब वाला। हाँ। अब ये बताइए मुझे, कानून कानून होता है, चुनाव चुनाव होते हैं। अब मुझे बताइए बाकी देशों में चुनाव के कारण कानून रुकता है क्या? अगर रुकता है तो आप हमें दिखाएं। अमेरिका में कानून को रोकिए अगर पॉलिटिक्स आपकी चल रही हो, इंग्लैंड में रोकिए, जर्मनी में रोकिए। तो ये पोजीशन कि भाई चुनाव हो रहा है इसके कारण सब चीज़ रुकना चाहिए, और अगर कानून कुछ केस अभी कुछ जारी है उसमें कुछ हो रहा है उसको भी रोकना चाहिए, ये मुझे लगता है खुद करके हमें दिखाएं। और दूसरा विषय जो आपने उठाया वो कि आप केजीबी की तरह ऑपरेशन करते हैं, घर में घुसकर मार रहे हैं, ये जो पाकिस्तान वाला विषय ना। अब देखिए, आप सब जानते हैं पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है, वहाँ उनकी मेन इंडस्ट्री जो है वो आतंकवाद है। उन जब हम आईटी कहते हैं उसका मीनिंग कुछ और होता है, उनके यहाँ आईटी इंटरनेशनल टेररिज्म होता है। तो अब उनके यहाँ अगर ऐसे जो बुरे काम करते हैं उन लोगों को कुछ हो जाए, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, किसने किया, खुद किया, भगवान जाने, तो हमें क्या चिंता इस पर। अब हुआ है, मैं कहूँगा बुरे कर्मों का फल मिला है लोगों को। पहले तो ये बता दीजिए रैपिड फायर से पहले कि अगर 400 पार आप बोल रहे हैं 4 जून को ये नतीजा आने वाला है, फिर से विदेश मंत्री बनेंगे? नहीं, चाहेंगे ऐसा? आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। आप जिनसे इंटरव्यू लेते हैं उनसे पूछना चाहिए। तो चलिए रैपिड फायर की शुरुआत कर देते हैं सर। तो डिप्लोमेट या फॉरेन मिनिस्टर? फॉरेन मिनिस्टर के बनने के बाद तो फॉरेन मिनिस्टर डेफिनेटली। ट्विटर या इंस्टाग्राम? अगर ये सवाल आप मेरे से 2 साल पहले पूछते ना, मैं ट्विटर कहता, आज मैं इंस्टाग्राम कहूँगा। अच्छा, उसके अलावा बेस्ट फ्रेंड जो है, रशिया या फिर यूएस? हम जो हैं सबके बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि हम विश्व बंधु विश्व बंधु जो है वो सबका साथ सबका विकास करता है, तो सबको साथ ले जाते हैं। अच्छा सर, पूरी दुनिया आपने घूम ली है, डिप्लोमेट रहे आप, इतनी कंट्री में एम्बेसडर्स रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, अब फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या नहीं आपने घूमा, लेकिन फिर भी सवाल बनता है आपसे, अगर आप छुट्टियां बिताना चाहते तो यूरोप जाना चाहते हैं या फिर यूएसए जाना चाहते हैं या कश्मीर जाना चाहेंगे या लक्षद्वीप? लक्षद्वीप। देखिए, एक तो है मोदी सरकार में हों तो छुट्टियाँ की तो बात नहीं करते, वो तो हम भूल ही जाते हैं। मैं कश्मीर तो मैं कुछ साल पहले गया था, पर अगर अभी मैं कहीं जाने की मेरी इच्छा है वो तवांग है, तवांग अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि जो मैंने सुना है कि वहाँ काफ़ी तरक्की हुई है, जो टूरिज्म की फैसिलिटीज़ बड़ी हैं और बहुत ऐतिहासिक जगह भी है। तो सर ये श्रेय तो 10 सालों में आपको जाएगा, आपकी सरकार को जाएगा। नॉर्थ ईस्ट जो है वो लगता था, उन लोगों को भी लगता था वो कटाव सा महसूस करते थे, अब वो मेन लाइन में आए हैं ये जो 7 सिस्टर्स हैं, तो उसका सारा क्रेडिट तो आपकी सरकार को जाना ही चाहिए। ज्योतियाँ जी, पंकज थैंक यू सो मच, रूबिका थैंक यू सो मच, जयशंकर जी आपने टाइम लगाया न्यूज 18 इंडिया के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप समय निकाल के यहाँ पर आए, जल्दी आपसे फिर न्यूज 18 इंडिया पर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोदी की गारंटी जो है सीमित नहीं है, मोदी की गारंटी बाहर भी चलती है।